राजस्थान में और खास करके भरतपुर जिले की तमाम ये 7 विधानसभा सीट पर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा। मोदी फैक्टर यहाँ काम करता है, लगातार 2 बार से देखा जा रहा है, लेकिन विधानसभा जब चुनाव का आता है तो वहाँ मोदी फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस के बजाय खासकर जो अहम रखता है वो चुनाव, वो जो व्यक्तिगत रखता है कि आपका विधायक कैसा, आपके विधायक ने कारनामे कैसे किए हैं, लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, नया चेहरा कौन होगा, इन सभी ये जो गोटियां बेचती हैं शतरंज, इन सभी को देखते हुए जनता का मानस बनता है। कौन जीतेगा राजस्थान 2023 में, आज हम बात करेंगे भरतपुर जिले की। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारुली लोठा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। भरतपुर जिले को पूर्वी राजस्थान का द्वार कहा जाता है। जाट बाहुल्य जिले का समीकरण राजस्थान चुनावों के समीकरणों की तरह बदलता रहता है। भरतपुर जिले में हम बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी देखने को मिला, तो वहीं 2018 में इसके ठीक उलट कांग्रेस का दबदबा यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी, कुम्हेडीक से विधायक विश्वेंद्र सिंह 2 बार चुनाव जीते और आज कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री है। भरतपुर जिले में विश्वेंद्र सिंह एक बड़ा चरम पर है। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, कुछ महीने शेष रहे हैं, आने वाले हैं और कांग्रेस का दावा है कि मिशन 156 पूरा करना है, सरकार को रिपीट करना है। वहीं बीजेपी का दावा है कि 2/3 बहुमत ज़्यादा लेकर हम सत्ता बनाएंगे। लड़ाई कांटे की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार का जिस तरह से माहौल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं उनके विधायकों पर, मंत्रियों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार करने, जनता को प्रताड़ित करने के आरोप रहे हैं, पेपर लीक मामले रहे हैं, खासकर अपनी ही पार्टी के विधायकों ने सरकार पर जो सवालिया निशान उठाए हैं, वो सभी जो मुद्दे हैं वो शायद हावी रहेंगे। इसके अलावा जो बताया जाता है कि भरतपुर जिला जहाँ 7 विधानसभा सीट हैं, यहाँ से जो मैंडेट पारित होता है, जनता जो मैंडेट देती है, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक तो कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलनी है, वो स्पष्ट चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास 7 विधानसभा सीट पर कोई चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जनता तय करेगी कि बीजेपी के प्रत्याशी कौन होते हैं और तभी पूरी जो पिक्चर है वो स्थिति क्लियर हो सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में जो मजबूत चेहरे हैं कांग्रेस के, वो 3 ही दिखाई देते हैं। ये तो भरतपुर विधानसभा शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर सुभाष गर्ग एक मजबूत चेहरा आज की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी का कोई प्रत्याशी उनके सामने कौन होगा वो अभी पिक्चर धुंधली हुई है। कुम्हेडीक से अगर बात करें तो विश्वेंद्र सिंह एक चेहरा है कांग्रेस का जो काफ़ी मजबूत है। उधर से अगर जाहिदा बेगम की बात करें, जाहिदा खान जो कामा से विधायक हैं, वो एक मजबूत चेहरा है। यानी कि 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास फिलहाल 3 सीट दिखाई दे रही हैं, 3 चेहरे हैं जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। एक मदुबई विधानसभा क्षेत्र जहाँ के स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, BSP जीते थे जोगी सवाना, उनको भगाने के लिए, उनको हराने के लिए जनता आतुर है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव जल्दी आ जाए और इन विधायक महोदय को 11 बजे यहां से हरा करके फ्री उनके घर भेज दिया जाए। वहीं BSP से जीत करके कांग्रेस में शामिल हुए बाजेवाली जो नगर से विधायक हैं, उनसे भी जनता काफ़ी रुष्ट है कि उन पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं और जो ऑनलाइन ठगी टटलूबाजों को सपोर्ट करने के तमाम तरह के आरोप लगे हैं। 2 विधायकों पर कांग्रेस के जो 2 विधायक हैं उनकी कंडीशन फिलहाल भरतपुर जिले में बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं भरतपुर जिले के जातिगत समीकरणों के बारे में। भरतपुर शहर विधानसभा सीट जाट बाहुल्य है, कुम्हेर डीक सीट जाट बाहुल्य है, नदबई जाट बाहुल्य है, नगर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है, कामा सीट मुस्लिम बाहुल्य है, वैर SC रिजर्व सीट है, बयाना SC रिजर्व है। देखिए साहब, पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें राजस्थान के भरतपुर जिले की 7 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और 2 पर बसपा ने अपना कब्जा किया था और बाद में बसपा के दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अभी 2023 में जो नए चुनाव राजस्थान में विधानसभा के होने जा रहे हैं उसमें हालांकि अब तक देखने को ये मिला था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार
मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है उसके हिसाब से पूरे राजस्थान में और खास करके भरतपुर जिले की तमाम ये 7 विधानसभा सीट पर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये भी एक नज़र आ रही है कि कांग्रेस के पास इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिले में जो झगड़े की स्थिति में फंसी हुई है उनके पास अभी उनके कोई उम्मीदवार भी नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में मतलब मेरा मानना यह है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की स्थिति भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर काफ़ी सुदृढ़ रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपने ही आपस के झगड़ों के और अंदरी गुटबाजी की वजह से एक बार फिर भरतपुर जिले में इन 7 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार शायद नहीं जिता पाए। हालांकि चुनाव के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, लेकिन हालात जो वर्तमान में नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। और अब आपको बताते हैं कि भरतपुर जिले की विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत सकता है। भरतपुर शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर सुभाष गर्ग जीत सकते हैं, कुम्हेर डीक से विश्वेंद्र सिंह जीत सकते हैं, नदबई विधानसभा सीट से जोगिंदर अवाना हार सकते हैं, नगर विधानसभा सीट से वाजिब अली हार सकते हैं, कामा से जाहिदा खान जीत सकती है, वैर विधानसभा सीट से भजन लाल हार सकते हैं, बयाना सीट से अमर सिंह हार सकते हैं। जनता तय करेगी कि बीजेपी के प्रत्याशी कौन होते हैं और तभी पूरी जो पिक्चर है वो स्थिति क्लियर हो सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में जो मजबूत चेहरे हैं कांग्रेस के वो 3 ही दिखाई देते हैं। ये तो भरतपुर विधानसभा शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर सुभाष गर्ग एक मजबूत चेहरा आज की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी का कोई प्रत्याशी उनके सामने कौन होगा। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि भरतपुर में कौन सी जाति का कितना प्रतिशत दबदबा है। भरतपुर जिले में जाट करीब 35% है, गुजर तकरीबन 20%, एससी तकरीबन 25%, मुस्लिम तकरीबन 15%, ब्राह्मण माली और अन्य जातियां तकरीबन 5% है। और अब 2023 के चुनाव के नतीजों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भरतपुर में बीजेपी को संजीवनी मिलेगी या फिर आवाम हाथ से हाथ मिलाएगी।